नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान से हर किसी को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। 6 साल की बच्ची ने प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बच्ची की नानी भी प्यास से बेसुख हो गई। दोनों नानी दोहिती 7 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रही थी। इस दौरान तापमान 45 डिग्री के आसपास था। पानी के अभाव से 6 साल की बच्ची की मौत का यह मामला राजस्थान के जालौर जिले के रानीवाड़ा इलाके का है। यहाँ रानीवाड़ा डूंगरी के रहने वाली बुजुर्ग महिला सुखी देवी अपनी 6 साल की दोहिती अंजलि के साथ सिरोही जिले के रायपुर से जालौर जिले में अपने घर आ रही थी। नानी दोहिती सुबह 8 बजे से पैदल ही निकली थी। इनको रायपुर से डूंगरी के बीच 22 किलोमीटर का सफर तय करना था। ऐसे में इन्होंने तय किया कि 22 किलोमीटर के सड़क के रास्ते की बजाय 15 किलोमीटर के शॉर्टकट रास्ते से जाएंगी। ये नानी दोहिती अपने साथ पानी लाना भूल गई थी और जिस शॉर्टकट रास्ते से निकली वह वीरान था। इसमें एक तरफ पहाड़ी और दूसरी तरफ रौतीले टीले थे। दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। करीब 45 डिग्री तापमान में वीरान रास्ते पर करीब 7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद थक गई। पैदल चलते चलते थक जाने के कारण दोनों एक छोटी सी झाड़ी के नीचे बैठकर सुस्ताने लगी। फिर दोनों बेसुध हो गई। इसी दौरान वहां से गुजरे एक चरवाहे ने उन्हें बेसुध देखकर आसपास के लोगों व पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस ने बुजुर्ग महिला को पानी पिलाया और दोनों को रानीवाड़ा के अस्पताल में पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने 6 साल की बच्ची को मृत घोषित कर दिया। नानी का इलाज चल रहा है। 6 साल की बच्ची की माँ ने 4 माह पूर्व ही दूसरा विवाह कर लिया था। बच्ची अपनी नानी के पास रह रही थी। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।